हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में जिसका नाम है क्लासिक कॉकटेल अनबॉक्सिंग। यस, तो ये मेरी तीसरी वीडियो है। तो आज जो मैं क्लासिक कॉकटेल जो लेके आया वो 2005 में बहुत ही धूम मचाई थी, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो वो एक हाइट सी हो चुकी है। कोई लोग उसको ऑर्डर नहीं करता, किसी के मेनू में मैंने देखा भी नहीं है। लेकिन आज इसके ऊपर मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि क्यों ये इतनी अच्छी कॉकटेल है। यस, इस कॉकटेल का नाम है प्लांटर्स पंच। यस, प्लांटर्स पंच। तो गाइस, कंटिन्यू वॉच माय वीडियो। थैंक यू। प्लांटर्स पंच, यस, इट्स अ क्लासिक कॉकटेल। ये अनफॉरगेटेबल कैटेगरी में आती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अनफॉरगेटेबल कैटेगरी होती है जो क्लासिक कॉकटेल की तीन कैटेगरी डिवाइडेड की थी, तो उस ये अनफॉरगेटेबल कैटेगरी में आती है। ये प्लांटर्स पंच बनी थी सन 1878 सितंबर में। यस, 1878 ऑन सितंबर, जो कि एक प्लांटर्स होटल में बनी थी, जो कि है कार्सन शहर में, साउथ कैरोलिना। यस, प्लांटर्स होटल की वजह से ही इस कॉकटेल का नाम पड़ा है प्लांटर्स पंच। पंच बेसिकली एक कॉकटेल की कैटेगरी होती है, पंच कॉकटेल। तो ये उसी को भी उस होटल में एज सर्व करते थे गुड लिविंग एंड गुड हेल्थ की वजह से। जो इसका जो कॉकटेल का जो साइन है वो इसका मतलब ही यही है, गुड लिविंग गुड हेल्थ। तो गाइस, तो ये थी कहानी, कहाँ बनी, किसने बनाई और इसका नाम का रीजन क्या था। तो इसका एक इशू ये था कि जो इस कॉकटेल में रम यूज की जाती है वो कैरेबियन रम यूज की जाती है। तो वेस्ट इंडीज वालों ने भी ये आर्गुमेंट किया था कि वो उनकी ड्रिंक्स है, बट लंदन में एक मैगजीन फन करके उसमें इसका आर्टिकल इशू हुआ था 1878 में। तो एविडेंस साउथ कैरोलिना को ही जाता है कि साउथ कैरोलिना ही इस कॉकटेल को इनोवेट किया है। यस, और सबसे अच्छी बात, उस फन मैगजीन में ये मेंशन किया है, जब वो कॉकटेल ये बनाते थे तो उस कॉकटेल में एक पोएम भी मेंटेन करके रखी थी। जब वो कॉकटेल किसी को डिफाइन करते हैं, किसी गेस्ट को या अपने किसी पर्टिकुलर VIP पर्सन्स को, तो वो ये पोएम गाते हैं या बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ। A wine glass with lemon juice filled of sugar, the same glass filled twice, then rub them together until the mixture looks smooth and soft and nice. Or from then, 3 wine glass, add and pour of cold water, please take. A drink then you will have, that's not bad, at least so, they say in Jamaica. Yes, तो ये poem थी, जो ये poem है, ये उनकी एक tagline भी थी, और ये precious भी थी, ये before serve the drink, या define to drink, ये poem उनको सुनाते थे। Yes guys, तो अब ये video मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लांटर्स पंच कॉकटेल कैसे बनती है। तो शुरू करते हैं प्लांटर्स पंच क्लासिक कॉकटेल। मैं ऑथेंटिक रेसिपी फॉलो करूंगा और मेरे कुलीग मिस्टर प्रमोद, जो कि स्टेप बाय स्टेप कॉकटेल बनाकर आपको प्रेजेंट करेंगे। बेसिकली ये कैरेबियन रम बेस कॉकटेल है, लेकिन मैं और मॉग यूज कर रहा हूँ क्योंकि कैरेबियन रम मेरे को नहीं मिला। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट प्लीज। सबसे पहले आप क्वेश्चन से कर लेंगे, दिस इज अ शेकिंग मेथड, और ये कॉकटेल बेसिकली जो ग्लासवेयर है वो यूज किया जाता है हाईबॉल, बट अकॉर्डिंग टू 1878 तब वो यूज कर रहे थे वाइन ग्लास। तो मैं वही ट्रेडिशनल ग्लासवेयर यूज करूंगा, तो मेरे पास अभी वाइन ग्लास है। तो प्रमोद जी स्टार्ट करें। सबसे पहले आप क्वेश्चन शिखा लीजिए और इसमें सबसे पहले आप डालिए रम लीजिए, पहले 45 ml कैरेबियन रम, बट वी यूजिंग ऑलमोस्ट इंडियन। दिस इज अ 45 ml ऑलमोस्ट डार्क रम, राइट।
और पंच है ये, जैसे प्लांटर्स पंच, पंच बेसिकली क्या होता है, फ्रूट जूस बेस ड्रिंक्स होती है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फ्रेश पाइनएप्पल जूस 35 ml अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी रेसिपी। 35 ml डालती है, एक्सीलेंट। सेकंड ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस लेंगे हम, सेम 35 ml, एक्सीलेंट। लाइम जूस लेंगे हम 20 ml, और 10 ml सिंपल सिरप और शुगर सिरप। क्वांटिटी कम है क्योंकि हम जूस यूज करें, उसके अंदर ऑलरेडी स्वीटनेस कंटेंट ज्यादा है, ओनली 10 ml। अब ग्रेनेडिन, ग्रेनेडिन सिरप करेंगे हम यूज 10 ml। ग्रेनेडिन सिरप मॉर्निंग या कोई भी आप ब्रांड यूज कर सकते हैं। ग्रेनेडिन सिरप बेसिकली होता है पोमीग्रेनेट बेस सिरप होता है। इसको हम शेक करेंगे, हार्ड शेक करेंगे, आप बड़े बड़े आइस बेस्ट होता है। बेसिकली ये कैरेबियन वालों यानी वेस्टर्न वालों ने जब क्लेम किया था कि हमारी ड्रिंक है, लेकिन उसके बाद जो हमारे लंडन के पास एविडेंस था तो वो जीत गए थे इस क्लेम को, तब जाके उन्होंने अपनी ड्रिंक्स को चेंज किया था कैरेबियन रैम ने, तब उन्होंने रखा था इसका नाम जमैकन पंच। यस, नाउ शेक इट, हार्ड शेक इट। बेसिकली होता है इसके बाद आ जाता है, लोग यूज करते हैं ग्लास में आइस डाल के, तो आइस जरूर होते हैं। बेस्ट ये ट्रिक्स भी समझ सकते हो कि सबसे पहले आप शेकिंग करते हुए अपने चीटर टीम में पोर कर लीजिए, उसके बाद जैसे ये सेपरेट कर लोगे तो आपके ड्रिंक जरूर मिलेगी। नाउ यू फिल वाइन ग्लास, पोर दो वाइन ग्लास यूज कर रहा हूँ। According to high ball glass, fine glass, it's very beautiful. Yes, now so. Now some drop, 4 to 5 drop of Amstrad Peters. बहुत से लोग shaking करते हुए डाल देते हैं, but the main thing is that कि जो real recipe में top up होता है, just drop, excellent. Because जब आप drinks पियोगे तब उसका aroma, उसकी smell आपको first आपके nose के through inhale होगी. अब garnish है इसकी cherry, orange और pineapple, जो कि हमने पहले से prepare कर दिया है. Very beautiful. Yes. Oh, awesome. It's very nice. Wow. Amazing. Smell good up. Yes. Yes. आज के टाइम पे प्लांटर्स पंच खोसा गया है, बहुत कम देखने को मिलता है, मेन्यू में नहीं दिखता है, गैस ऑर्डर नहीं करते हैं, बट रियली इज ऑसम। तो गाइस ये है प्लांटर्स पंच जो कि ऑथेंटिक रेसिपी फॉलो करके बनाया है, और इसकी हिस्ट्री और इसके नाम के पीछे जो एटनोलॉजी है वो भी आपको डिफाइन किया है। आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आए, ऐसे ही और वीडियो भी आते रहेंगे, और मैं ऐसी क्लासिक कॉकटेल्स अनबॉक्सिंग करता रहूंगा, उसके बारे में बताता रहूंगा। गाइस आज के लिए इतना ही काफी है, टिल टाइम टेक केयर, बी सेफ।